हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं क्लास टेंथ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। और यहाँ पर मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने देखा है कि आज जो है वो क्लास ट्वेल्थ का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। और क्लास ट्वेल्थ का जो रिज़ल्ट आया है, ये इस रिज़ल्ट के बारे में मैं आपको आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज जैसे ही रिज़ल्ट आया तो CBSE की जो वेबसाइट थी वो क्रैश हो गई थी तुरंत ही। जैसे ही एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ, 2 घंटे के अंदर ही पूरी की पूरी जो साइट थी वो क्रैश हो गई, वो धाराशाही हो गई। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आज आई। लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसका जो टैकल है आप वो कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ये सारी परेशानी झेलने ना पड़े। सबसे पहले मैं आपसे आज की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो आज की न्यूज़ हमारी आई है वो क्या थी कि यहां पर लिखा है कि जो रिज़ल्ट की जो साइट थी वो क्रैश हो गई थी। ऑन मंडे सून आफ्टर द रिज़ल्ट क्लास ट्वेल्थ वाज डिक्लेयर एट द ऑफिशियल वेबसाइट result.nic.in। एक ये साइट है आपकी, एक CBSE result.nic.in है और ये भी इसी का पार्ट है, CBSE.nic.in। सबसे पहले क्या है, ये ऑफिशियल साइट्स हैं। जो अगर मैं बताऊँ आपको, ये ऑफिशियल साइट्स हैं किसकी, CBSE की। तो जी ऑफिशियल साइट से ये बच्चों आपकी क्रैश हो गई। यहाँ पर मैं आपसे आज जो डिस्कस करूँगा क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जल्दी ही आपका भी रिज़ल्ट आने वाला है। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है सेम सिचुएशन हो सकती है आपके साथ भी। तो अगर आपके साथ भी सिचुएशन हो तो आप कैसे उन चीज़ों को टैकल करेंगे, आज हम लोग इस बात में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इन चीज़ों को टैकल करें अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आए तो। सबसे पहले मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव बताना चाहता हूं कि क्या क्या अल्टरनेटिव आपके पास है अगर आपका भी रिज़ल्ट ऐसा ही गया, मतलब इसी तरीके से साइट क्रैश हो जाती है। तो आपके पास, मैं बताता हूं, आपके पास 3 अल्टरनेटिव हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला अल्टरनेटिव कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला अल्टरनेटिव है आपके पास उमंग ऐप, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सीधे जाइए उमंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, अभी कर लीजिए चाहे तो। उमंग ऐप पर आप जाएंगे तो उमंग ऐप पर जाकर आप CBSE वहाँ सर्च करेंगे और इजीली आपको CBSE की सारी नोटिफिकेशन, जो भी आप रिज़ल्ट वगैरह टेंथ का देखना चाहते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात ही उमंग ऐप की। फिर दूसरा आपको क्या करना है, अगर उमंग ऐप से बात नहीं बनती है, आज ही काम कर लेना है। और इसके बाद या तो मैं अभी देख लेते हैं उस वीडियो को बनाकर इसी वीडियो के अंदर। दूसरा आपको DigiLocker पर अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो बहुत बढ़िया है बच्चों, और अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है DigiLocker पर तो आप अपना अकाउंट DigiLocker बना लीजिए। मैं अभी पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि DigiLocker पर आप कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो है वो आप कहाँ से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, सरकारी रिज़ल्ट एक साइट है, ठीक है। तो सरकारी रिज़ल्ट पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। 3 अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। अगर कहीं खुदा ना खास्ता जो CBSE की साइट है, वैसे तो मुझे लगता है कि इस बार साइट मतलब वो क्रैश नहीं होगी, मगर बहुत सारे बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो साइट आपकी क्रैश हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप क्या कीजिए, इन 3 अल्टरनेटिव से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। उन 3 अल्टरनेटिव्स के अलावा मैं ज़रा यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम लोग किस तरीके से DigiLocker जो हमारा ऐप है उसको कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, DigiLocker पर हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे DigiLocker पर क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे नोट नाउ आप कर दीजिए, उसके बाद आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, इस तरीके से गेट स्टार्टेड करके आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे गेट स्टार्टेड पर आपका आएगा, यहाँ पे लिखा है एंटर योर आधार नंबर। तो अगर इसमें भी 2 ऑप्शन आपके पास है, यू आर हैविंग 2 ऑप्शन इन इट, ये 2 ऑप्शन आपके पास इसमें है, आप आधार कार्ड के साथ जाना चाहते हैं या आप आधार कार्ड के बिना जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि डोंट वांट टू यूज़ आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज तो आप सीधे यहाँ पर आधार कार्ड को एंटर करोगे और जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा ना, जो आपने मोबाइल नंबर अपना दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पर क्या होगा, आपको एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP को आप जैसे ही इसमें डालोगे आप यहाँ रजिस्टर हो जाओगे। CBSE ने
ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट, मतलब मान लो आपने अभी तो टेंथ कर रहे हो तो टेंथ के खाली आपके डॉक्यूमेंट है, सपोज़ कर रहे कोई बच्चा अभी ट्वेल्थ का, उसका एग्ज़ाम था तो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम था तो उसका जो टेंथ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो CBSE ने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दी है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप अगर मान लो कि आधार कार्ड से करते हो तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, बट अगर आप आधार कार्ड से नहीं डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डोंट वॉन्ट टू यूज़ आधार कार्ड, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यूजिंग योर मोबाइल नंबर। तो अपने जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर आप नहीं जा सकते हो अगर आपने आधार कार्ड नंबर, बट हाँ ये है पक्का कि आप अपना रिजल्ट देख सकते हो, अगर आप यहाँ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें हो गई कि आप क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, एक अल्टरनेटिव आपको ये मिल गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आपने जैसे मान के चलते हैं कि डिजी लॉकर आपका हो गया, और दूसरा अल्टरनेटिव जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो है सरकारी रिजल्ट का, ठीक है, ये दूसरा अल्टरनेटिव मैंने आपसे बताया था सरकारी रिजल्ट का। तो मान लो आपने सरकारी रिजल्ट पर यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलेगा, तो ये गलत है थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, जनसत्ता का ये आ गया। सरकारी रिजल्ट का आप जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो ये सरकारी रिजल्ट की साइट है, आप यहाँ जाएंगे, ये आपका आ गया देखिए, तो और थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर, CBSE बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट, ठीक है, ये आपका जो लिखा हुआ है। इस तरीके से जब 10th का रिजल्ट आपका आ जाएगा तो यहाँ पर 10th का लिखा होगा कि 10th का रिजल्ट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 10th का रिजल्ट लिखा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, नीचे मैं आऊँगा तो क्या होगा, देखिए ये सर्वर 1 सर्वर 2, आप कोई से भी सर्वर पर जाके आपने क्लिक किया, देखो ये आपका आ गया, इसी तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा पूरा का पूरा, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपका, जो आपका हो गया सरकारी रिजल्ट का बच्चों, ठीक है। अब मैं एक तीसरा ऑप्शन बता दूँ आपको, जो मैं बताता हूँ उमंग ऐप से, ठीक है, एक उमंग ऐप है आपका, तो यहाँ पर उमंग ऐप पर जाकर भी आप इस वीडियो को, सॉरी उस अपना रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। उमंग ऐप के लिए क्या करना है, ऐसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर उमंग आपको देखो लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने, मेरे पास देखो ऐप जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट आपके लिए बता दूँ कि आपके लिए इस तरीके से ऐप जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया हुआ है, आप कोई भी लैंग्वेज अपना चूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह, शिक्षा है शिक्षा, ये सब जो भी आपको आपको लगता है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ सर्च करोगे क्या CBSE रिजल्ट, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ CBSE रिजल्ट, ठीक है, तो इस तरीके से CBSE रिजल्ट यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 10वीं 12वीं जो भी आपको करना है, ठीक है, तो रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये तीन तरीके थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं, अगर क्या होगा CBSE की जो साइट है हमारी अगर वो बिजी होगी, तो आप इन तीन तरीके से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई होप थोड़ी हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से, और तैयार हो जाइए, हो सकता है कल ही आपका रिजल्ट आ जाए, और अगर कल आपका रिजल्ट नहीं आता है तो परसों तो आप कंफर्म कर ही लीजिए, 15 जो है वो डेडलाइन है, ठीक है, 15 जुलाई आपका क्या है वो डेडलाइन है, तो 15 तारीख तक तो सभी का रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, ठीक है। और अभी ये वीडियो मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूँगा, ठीक है, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो उसको और लोगों तक पहुँचे, ताकि उनको जो है ना मैथड पता लग सके कि भाई हम किस तरीके से और अपने रिजल्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो वही है कि जो भी चीज़ें हैं आप उस तरीके से करें। थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा।